रक्त का थक्का बनना। यदि हम असावधानी से चाकू का उपयोग करते हैं तो हमारी उंगली कट सकती है। क्षतिग्रस्त हिस्से का आवर्धित दृश्य देखने पर चाकू द्वारा कटी हुई रक्तवाहिनियाँ दिखाई देती हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में रक्तस्राव होता है। धमनी के अंदर हमें लाल रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट दिखते हैं, जो कि क्षतिग्रस्त हिस्से से बाहर निकल जाते हैं। रक्त का थक्का बनने की क्रिया में प्लेटलेट मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। रक्त के प्लेटलेट विशेष पदार्थ मुक्त करते हैं, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में रक्त का प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में रूपांतरित हो जाता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में रूपांतरित करने वाला उत्प्रेरक है। फाइब्रिन के तंतु क्षतिग्रस्त हिस्से में जाते हैं। यहाँ फाइब्रिन तंतु जाली जैसी संरचना बनाते हैं, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आकर फंस जाती हैं। ये लाल रक्त कणिकाएं और फाइब्रिन तंतु साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त के थक्के से कटी हुई धमनी पुनः जुड़ जाती है तथा रक्त बहना रुक जाता है।